हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार देखने सम रैंडम गर्ल्स, मतलब हम लोग इंस्टा पे मिले हैं, उनके साथ मैं घूमने जा रही हूँ और इट्स माय फर्स्ट टाइम। कैसे एक्सपीरियंस रहता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड आप मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। चलो चलते हैं। फाइनली आई रीच देयर और मैंने टिकट ले ली थी। टिकट कॉस्ट में अराउंड 50 रुपीज़। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद वी आर वेटिंग फॉर आर फ्रेंड्स और ये सामने का गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है। हम अभी अपने कुछ फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, जो हमारा पूरा ग्रुप है उसके बाकी फ्रेंड्स अभी तक आए नहीं थे। एंड वॉइस ओवर मैं बाद में इसलिए दे रही हूँ, कुछ कुछ जगह मैंने वॉइस बाद में इसलिए दी है बिकॉज़ यू नो अभी मैं नई नई व्लॉगर बनी हूँ तो कई जगह बोलना भूल जाती हूँ एंड आई वॉज फीलिंग बिट शाय। Here comes the moment when I finally saw it. I was just mesmerized by its beauty. Trust me, it was so beautiful. गाइस, अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज़ वीकेंड पे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है। मतलब इतने इंडियंस नहीं होते जितने वहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और हर कॉर्नर ऑक्यूपाई होता है फोटोग्राफर से। बहुत सारे वहाँ पे लोग होते हैं जो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे दिल से इन सारी चीज़ों को देखना चाहते हो ना तो वीकेंड पर तो बिल्कुल मत जाना, बीच में किसी दिन चले जाना, तब आप अच्छे से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। और फाइनली जब वो मोमेंट आया, मैं बिल्कुल इसके पास पहुंची तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं इसको एक बार टच करूं, क्योंकि मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आई हूँ। एज़ आई अर्लियर मेंशन, आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो मैंने ये सारी चीज़ें ना हमेशा मैनिफेस्ट की थी और इनको हमेशा बुक्स में देखा है। तो मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि यार ये तो जगह बहुत बहुत सुंदर है, मैं एक बार इसे करीब से देखना चाहती थी। एंड ट्रस्ट मी, पूरी वीडियो में मैं यही बोलूँगी, ये सच में बहुत सुंदर था। अगर आप दिल्ली का प्लान बनाते हो ना तो आपको एक बार तो इस डेस्टिनेशन को अपने प्लान में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये वाकई बहुत सुंदर है। ये जो अभी आपने एक छोटा सा डोर देखा मीनार के बीच में, ये पहले ओपन होता था, इसमें आम जनता जा सकती थी। बट मैंने जब गूगल किया कि अब क्यों नहीं जाते हैं तो उसमें एक स्टोरी आई कि 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी भगदड़ मच गई थी और काफ़ी लोग मर गए थे। उसके बाद से ये जो डोर है ये बंद कर दिया है, अब आम जनता इसके अंदर नहीं जा सकती, इसको सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। जब मैं किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाती हूँ तो वहाँ पे जितने भी स्टोन्स, बिल्डिंग जो भी होते हैं, मैंने हाथ लगा के टच जरूर करती हूँ। मैं उन्हें फील करने की कोशिश करती हूँ। आई पर्सनली फील, मुझे ऐसा लगता है जैसे दे आर सेइंग समथिंग। आई नो इट साउंड्स वेरी स्केरी बट मुझे ऐसा लगता है। Well, the Qutub Minar is inspired by the Minaret of Jam in Afghanistan. It is an important example of early Afghan architecture which later evolved into Indo-Islamic architecture. ये मुझे गूगल से पता चले, मुझे ये नहीं पता था। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गूगल पे, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना इसके बारे में। अपने ग्रुप से अलग हो गई हूँ, अलग होके अपनी अलग ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। यार ये जगह बहुत सुंदर है, लाइक लिटरली इट्स सो ब्यूटीफुल।
आज कोई वीआईपी आ रहा है इसलिए इसे कह रहेगी 1 बजे तक इसे बंद कर देंगे। आई डोंट नो सच में बंद करेंगे कि नहीं, बट अभी तो मैं जस्ट आई हूँ और अभी तक मैंने पूरे से घूमा भी नहीं है। मेरे पास सच में शब्द नहीं है, ये इतना सुंदर है। मैंने बस ये चीज़ें हमेशा किताबों में देखी, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ। और इट्स मुझे ऐसा लगता है जब आप ऐसे किसी जगह पे आओ तो हिस्ट्री आपको पहले से पढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि मैं आ तो गई हूँ बट मुझे टेक्निकली यहाँ का ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ क्या है, कौन सी लाइक कबर है समथिंग। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये पिलर किसने बनाया है, बट मैं घर जाके आज सबसे पहले इसको स्टडी करूँगी कि क्या है इसकी हिस्ट्री। बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स सो ब्यूटिफुल। लाइक मुझे सच में नहीं पता मेरे ग्रुप के लोग कहाँ पे हैं, मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे घूमी जा रही। मतलब मैं ऐसे लाइक लॉस्ट सोल की तरह हूँ यहाँ पे। ये सारे स्टोन्स अलग अलग शेप के हैं, कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है, आई डोंट नो ये क्या शेप है। यहाँ पे कहीं कोई रानी वगैरह बैठती होगी फुर्सत में, इंस्टाग्राम वगैरह चलाती होगी शायद। जिस किसी ने भी ये बनाया उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि हमारे मरने के बाद इतने लोग आएंगे हमें देखने के लिए। मतलब इन पत्थरों से चीजें बनती है इसलिए थी मरने के बाद लोग उनको। मैंने तो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई याद रखेगा। आजकल ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लगता है लोग चीज़ें देखने कम आते हैं और फोटोज़ वगैरह क्लिक करने ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट मैं भी वही कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बस मतलब आई डोंट नो कितने होंगे जो सच में इंटरेस्टेड होंगे इस प्लेस को ऐसे बिल्कुल दिल से ऐसे देखने के लिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ जितने भी हैं सभी एवरीबडी इज़ बिजी इन टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल। खलजी का मदरसा, ओके यहाँ पे रहा का कोई मदरसा। वाह सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आई गेस ये एक जगह है जहाँ से आप पूरा एंगल ले सकते हो इसका। जिनके साथ में आ जाई हूँ, हम सभी इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, सम रैंडम पीपल, यू नो सच अ गुड डे। कितने सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवा ली हैं। अब हम जा रहे हैं, सना हम क्या देखने जा रहे हैं? मिनी कुतुब मीनार। ओके मिनी कुतुब मीनार, ओके। बेसिकली ये है हमारी आज की गाइड एंड शी इज वेरी स्वीट एंड हम्बल। सच अ अगली बर्ड, ये देख रहा है कैमरे की तरफ। ओके नाइस। मुझे ऐसा लगता है ऐसे प्लेसेस पे आने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है देन या फिर आपके पास कोई एक सही गाइड होना चाहिए जो आपको एक्सप्लेन कर सके ये सारी चीज़ें, दैट किसने बनाया है, क्यों बनाया है, समथिंग लाइक दैट। एनीवे वी हैव अ गाइड, लेट्स सी वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक अभी यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, मे बी अभी सिक्योरिटी गार्ड सभी को भगा रहे हैं। आई डोंट नो हु इज कमिंग टुडे, सो मेनी
दे आर सेइंग सम फॉरेन डिप्लोमेट्स आर कमिंग सो दैट्स व्हाई आई नो आई एम नॉट ऑडिबल. ये मेरी गर्ल गैंग है अ काइंड ऑफ जिनके साथ आज मैं आई थी और आई एंजॉयड अ लॉट हियर बट अब आई थिंक हमें जाना पड़ेगा. आई मीन दिस इज नॉट फेयर. सम फॉरेनर डिप्लोमेट्स आर कमिंग और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं अपने इंडिया के अलग अलग स्टेट से आप उन्हें कोई बाहर निकाल रहे हो क्या कर सकते हैं. हमने अपना एंट्री टोकन अब वापस दे दिया है अब हम आई होप वापस जा रहे हैं. आई रियली फील सैड फॉर दोज किड्स जो अपने आज स्कूल पिकनिक के लिए आए हुए हैं बिकॉज अभी जाना पड़ रहा है साफ में. चलो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम. वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू ईट समथिंग बट सारी शॉप्स सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया है. बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी है पता नहीं कौन आ रहा है और सब कुछ बंद है इस टाइम. हाँ मुझे बहुत भूख लगी है घर जाके कुछ खा पाऊंगी अब तो. हाँ ये तो कोई स्टूडियो है आई गेस. लोगों से मार फिर भी खाने का. Finally, I reached my home. That's it, guys, for today. If you like the video, then kindly like and subscribe this channel. Thank you. Bye bye.